Assalamualaikum. Welcome to Shahi Cooking. आज मैं जिंजर चिली चिकन विद ग्रीन पेपर एंड ऑनियन बनाने वाली हूँ, तो मैं शुरू करती हूँ इसे बनाने का। ये बोनलेस मैंने चिकन थाई ली है 1 lb. 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन ऐड करूँगी मैं। 1 teaspoon नमक ऐड करूँगी मैं, मिक्स करना है। इसको मैं मैरिनेशन में रखूंगी 30 मिनट के लिए, आधा घंटा। ये चिकन को मैं मैरिनेट होने के लिए रखती हूँ, तब तक मैं इसका बैटर तैयार कर लूंगी। ये मैंने 1/2 cup ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, मैदा। ये 1/3 cup मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है। इसमें मैं कुछ पानी ऐड करके इसका थिक बैटर बनाऊंगी। इसकी थिकनेस इतनी रखनी है। 1 tablespoon में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। ये चाइनीज सॉल्ट है, अजीनोमोटो सॉल्ट। ये नेशनल ब्रांड का हलाल है, इसको मैं ऐड करूंगी। ये मैंने डार्क सोया सॉस लिया है। दो टेबलस्पून ऐड करूंगी, मिक्स करना है। नमक आप टेस्ट कर लें, क्योंकि चिकन में भी नमक ऐड किया हुआ है, तो फिर अगर आपको ऐड करना हो इसमें तो रेगुलर नमक ऐड करें। चाइनीज सॉल्ट भी नमक है, तो आप टेस्ट करके अपने हिसाब से नमक ऐड करें। मैं थोड़ा रेगुलर नमक ऐड करूंगी। इसको मैं रखूंगी साइड में। ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, और ये अदरक है, जिंजर, प्याज ली है मैंने, और ये ग्रीन पेपर, कैप्सिकम ली है मैंने। इस ग्रीन पेपर को मैं क्यूब्स में कट करूंगी। इसके बीज को निकाल दूंगी मैं। ये मैंने इस तरह काट ली। इस प्याज को भी मैं क्यूब्स में कट करूंगी, ऐसे 1-1 inch की स्लाइस करनी है। इसके प्याज के लेयर ऐसे अलग कर लेने हैं इस तरह, और ये प्याज को इस तरह मैंने काट लिया है, 1/2 प्याज ली है मैंने। अदरक को मैं जूलियंस में काटूंगी, इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स करूंगी मैं। इस जिंजर को मैंने ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिया है। इस चिकन को मैंने 30 मिनट मैरिनेशन में रखा था, और ये बैटर जो मैंने बनाया है इसमें डीप करके मैं इस चिकन को फ्राई करूंगी, डीप फ्राई करूंगी। ये मैंने तेल गरम करने रखा है। इस चिकन को मैं ऐड करूंगी, और इसके पीसेस को डीप करके मैं फ्राई करूंगी। तेल गरम हो चुका है, और ये चिकन के जो पीसेस हैं इसको मैं ऐसे डीप करूंगी, कोट करूंगी इस बैटर में, और ऐड करूंगी।
मैं फ्लिप करूंगी। ऐसे ही गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी करनी है, कुछ 5 मिनट एक साइड और दूसरी साइड 5 मिनट रखकर हाई फ्लेम पर। ये चिकन फ्राई हो गई है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये जो जॉइंट है इसको मैं से अलग कर दूंगी। चिकन को फ्राई करते वक्त एक दूसरे से चिपक गया है इसका जो कोटिंग, तो छुरी से आप काट लें इसको। और इसको मैं और ये मैंने तेल निकाल लिया है और मैंने कुछ 3-4 टेबलस्पून इसमें रखा है ऑयल। तो इसमें मैं ये जिंजर ऐड करूँगी। ये स्टर फ्राई करनी है सब वेजिटेबल्स को, तो मैं सभी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। ये प्याज भी, हाई फ्लेम रखी है मैंने। इस चिली चिकन को तीखापन देने के लिए ये मैंने तीखी वाली मिर्ची भी ली है, इसको भी मैं ऐड करूंगी। इस वेजिटेबल्स को मैं क्रिस्पी रखने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा देर मैं इसको फ्लेम पर नहीं रखूँगी। तो इसमें मैं अब ऐड करूँगी मसाले। ये डार्क सोया सॉस मैं ऐड करूँगी। थ्री टेबलस्पून ये हलाल सॉल्ट है, ये चाइनीज सॉल्ट अजीनोमोटो 1 टेबलस्पून। अब इसी में मैं ये चिकन भी ऐड करूंगी। मिक्स करें अच्छे से। और ये चिली चिकन अच्छे से बन चुकी है। अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। जिंजर चिली चिकन विद ग्रीन पेपर एंड ऑनियन ये बन चुकी है और इतनी माशाल्लाह टेस्टी बनी है। आप ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को। तो ये देखिए माशाल्लाह ये अच्छी बनी है, इतनी टेस्टी बनी है चिली चिकन।
आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। चिली चिकन विद ग्रीन पेपर एंड ऑनियन आप भी ज़रूर बनाइए इस जिंजर चिकन विद ग्रीन पेपर एंड ऑनियन के साथ। इंशाल्लाह फिर लेकर आऊंगी एक नई रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय।